नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कानपुर में हुए पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के बाद आज पहली बार यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। एडीजी ने कहा कि कानपुर में पुलिस जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हत्यारों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में रहकर की जाएगी। देखिए, दो लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पुलिस के द्वारा लूटी गई, पुलिस से लूटी गई एक ब्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असलाह बरामद हुआ था। उसी क्रम में उस घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ मौजूद हैं, जो कि मीडिया ग्रुप में भी शेयर किए गए हैं। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू बाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है तथा जहान यादव ये भी नामजद अभियुक्त है तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू बाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे जी, नहीं, इसमें श्यामू बाजपेयी पे 50,000 का इनाम है। जहान पे नहीं, हाँ, जहान यादव नेम्ड है, नहीं संजू दुबे नामजद नहीं है। ये प्रकाश में आए हैं और गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में श्यामू बाजपेयी घायल भी हुआ। ये कार्य प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर और उनके अन्य साथियों द्वारा किया गया है। थाना चौबेपुर जी, हाँ, इसका आपराधिक इतिहास पूर्व में अमर दुबे का भी कोई पता किया जा रहा है। जैसे जैसे सूचना मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब चीजें खत्म हो जाएं फिर उसके बाद से आगे आप उसमें प्रश्न। इसी क्रम में फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिके उर्फ प्रभात निवासी ग्राम बिकरू,
पुलिस स्टेशन चौबेपुर जनपद कानपुर नगर दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम काकूपुर पुलिस स्टेशन शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स हरिनगर नहर पार थाना खेरी पुल फरीदाबाद तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खेरेश्वर निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की चुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल जो कि एक थाना बिठूर और की थी वो भी बरामद की गई है तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन बदमाशों को पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हमारी पुलिस आएगी। इसके अतिरिक्त वहां के लगभग सभी पुलिसकर्मियों को स्थानीय चौबेपुर के हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त बीती रात गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे थाने तथा विसरत थाने में भी क्रैकडाउन हुआ है जहां इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार किए गए हैं और बुलंदशहर में भी सियाना थाने के अंतर्गत इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार हुआ है। मैंने कल भी प्रेस के साथ शेयर किया था कि कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। नजीर बनेगा या मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1 जनवरी से लेकर 15 जून तक के जो आपराधिक आंकड़े हैं अगर हम उसको कंपैरिजन करें वर्ष 2020 2019 और 2018 का तो 19 के तुलना में इस वर्ष डकैती के केसेस में 37.74% की कमी आई है, लूट के केसेस में 44.17% की कमी आई है, हत्या के मामलों में 7.91% की कमी आई है, फिर अतिरिक्त अपहरण के केसेस में 41% की कमी आई है, दहेज हत्या के केसेस में 6.34% की कमी आई है, बलात्कार के केसेस में 25.41% की कमी आई है, महिला संबंधी अपराध जो कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता है उनके भी विभिन्न हेड्स में दहेज हत्या और बलात्कार के केस मैंने आपसे पहले बता दिए, शील भंग के जो केसेस हैं उसमें 14% 7.2% की कमी आई है,